9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने लग गई है। कोर्ट ने अपनी तरफ से रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि 2018 के मामले के बाद शाहनवाज हुसैन के ऊपर एक बार फिर से कोर्ट की तलवार लटक गई है। आपको बता दें कि मोदी शाह के खेमे के शाहनवाज हुसैन जो है काफी ज्यादा चर्चे में रहते थे, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके और उसके बाद जो अपनी विधायकी भी दिखा चुके, लेकिन सांसद, केंद्रीय मंत्री और विधायक के तौर पर जो है उन्होंने जो अपना समय इस पूरी यहाँ पर जो है राजनेताओं को दी, उसके बाद देखिए उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया। 2018 का ये मामला है जब महिला ने ये आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ रेप किया है, जिसके बाद इस मामले पर जो है एक याचिका जारी की गई थी शाहनवाज हुसैन की तरफ से, जिसमें इस मामले को जो है रफा दफा करने की बात कही गई थी और ये भी कहा गया था कि यहाँ पर महिला जो है उनके ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, इसीलिए इस मामले को यहाँ पर नहीं लेकर के आना चाहिए, इस पर कोई FIR नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की बातें सामने आई है। लेकिन वहीं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है उस याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी सुनवाई जो है सुना दी है और उन्होंने अपनी बेंच की तरफ से ये बात बिल्कुल साफ कर दिया है कि शाहनवाज हुसैन के ऊपर ये कार्रवाई होगी और यहाँ पर अगर वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो फिर इस मामले में उनको कार्रवाई से क्या दिक्कत है। कार्रवाई करवाइए, क्लीन चिट लीजिए और जाइए, फिर आप दिखा सकते हैं सभी को कि नहीं आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इस तरीके की बातें हाईकोर्ट की तरफ से सामने निकल करके आई, जिसके बाद शाहनवाज हुसैन जो इतने समय से इस मामले से बचते हुए आ रहे थे, उनके ऊपर एक बार फिर से जो है कई सारे मामलों की तलवारें लटकनी शुरू हो चुकी है। अगर इस मामले की पुष्टि हो जाती है तो जहां दिल्ली में बीजेपी की जो हालत है वो पहले से खस्ता हाल है, उसके ऊपर एक और बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ेगा। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा इस मामले में जो है शाहनवाज हुसैन के खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई के बाद आखिरकार निष्कर्ष के तौर पर क्या कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और जो महिला ने आरोप लगाया था क्या सच में वाकई में वो चीज ऐसी थी या फिर महिला निराधार तरीके से जो है इस मामले में अपनी कोशिशें जारी कर रही थी। तो फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।